आईपीएल 2024 में कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम प्लेऑफ में पहुंच गई है। 12 मैचों में 9 जीत के साथ केकेआर के 18 पॉइंट हुए हैं और वह प्लेऑफ में पहुंचने वाली पहली टीम है। अपने घरेलू मैदान पर मुंबई इंडियंस को 18 रनों से हराकर केकेआर ने प्लेऑफ में अपनी जगह पक्की की। बारिश की वजह से यह मुकाबला 1 घंटे और 45 मिनट की देरी से शुरू हुआ और इसे 16 ओवर का कर दिया गया। केकेआर ने पहले खेलते हुए वेंकटेश अय्यर के 21 गेंदों पर 42 रनों की पारी की मदद से 157 रन बनाए। मुंबई की टीम 16 ओवर में 8 विकेट खोकर 139 रन ही बना सकी। केकेआर की इस मैच में शुरुआत खराब रही और पहले ही ओवर में फिल सॉल्ट आउट हो गए। दूसरे ओवर की पहली गेंद पर सुनील नरेन को बुमराह ने बोल्ड कर दिया। इसके बाद वेंकटेश अय्यर ने बुमराह पर जवाबी हमला किया। उन्होंने 1 छक्के और 2 चौके जड़े। अय्यर के बल्ले से 21 गेंदों पर 42 रनों की पारी निकली। उंगली की चोट के कारण 11 मैच नहीं खेल सके उपकप्तान नीतीश राणा ने भी अच्छी बल्लेबाजी की। रनआउट होने से पहले उन्होंने 23 गेंदों पर 33 रनों का योगदान दिया। उन्होंने अय्यर के साथ 24 गेंदों पर 37 रनों की साझेदारी बनाई। मुंबई ने लेग स्पिनर पीयूष चावला की मदद से वापसी की। उन्होंने वेंकटेश अय्यर और आंड्रे रसल के रूप में 2 बड़े विकेट लिए। रसल ने 14 गेंदों पर 24 रनों की पारी खेली। जवाबी में मुंबई को ईशान किशन ने शानदार शुरुआत दिलाई, लेकिन उनके अलावा लगभग सभी बल्लेबाज जूझते हुए दिखे। ईशान ने 22 गेंदों पर 40 रनों की पारी खेली और एक समय मुंबई का स्कोर 5 ओवर में बिना किसी नुकसान के 59 रन था, लेकिन रोहित शर्मा ने 19 रन बनाने में 24 तो सूर्य कुमार यादव ने 11 रन बनाने में 14 गेंदों का सामना किया। हार्दिक पांड्या 2, निहाल बडेरा 3 रन बनाकर आउट हुए तो टिम डेविड अपना खाता भी नहीं खोल पाए। आखिर में तिलक वर्मा ने 17 गेंदों पर 32 और नमन धीर ने 6 गेंदों पर 17 रन बनाए, लेकिन यह टीम को जीत दिलाने के लिए काफी नहीं था। मुंबई को आखिरी 2 ओवर में जीत के लिए 41 रन चाहिए थे। नमन और तिलक ने रसल के खिलाफ 15वें ओवर में 19 रन ठोक दिए। अब 1 ओवर में 22 रन चाहिए थे, लेकिन आखिरी ओवर की पहले ही गेंद पर नमन आउट हो गया। फिर हर्षित राणा ने तिलक वर्मा को आउट कर मुंबई की हार पक्की कर दी। केकेआर के लिए वरुण चक्रवर्ती ने 4 ओवर में सिर्फ 17 रन देकर 2 विकेट लिए, जबकि सुनील नरेन ने 3 ओवर में 21 रन दिए। एनबीटी स्पोर्ट्स के लिए ऋषिकेश कुमार की रिपोर्ट।